तो हेलो भाइयों, सबसे पहले स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। और आप देख के जान गए होंगे कि यार मेरे को कुछ दिक्कत है, कुछ इंजरी हुई है। तो यार ऐसा है कि लास्ट सैटरडे, जो भी सैटरडे गया है 3-4 दिन पहले, उसमें मेरे को यहाँ पे चेस्ट में इंजरी हो गई। जो मेरी चेस्ट की मसल टिश्यूज हैं वो मेरे फट गए और इसके कारण मूवमेंट नहीं हो पा रहा। आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये इससे ऊपर हाथ उठ नहीं रहा और ये यहाँ पे ब्लड क्लॉट हो गया है मेरा। टीशू को रिपेयरिंग में 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। पर आप ये मैं आपको बताता हूँ कि मेरा हुआ कैसे। सबसे पहले 15 दिन पहले मेरे को छोटा सा एक यहाँ पे चेस्ट में, जब मैं बेंच मार रहा था, डिक्लाइन बेंच, हल्का सा मेरी मसल खींची, उस टाइम मेरी मसल हल्की सी स्वेल हो गई, थोड़ा बहुत दर्द भी होने लगा उसमें। तो मैंने उसे, जब से 3-4 दिन मैंने वर्कआउट नहीं करा और 3-4 दिन बाद वो अपने आप रिकवर हो गई। तो मेरे को लगा कि हाँ ऑल राइट, अब सब पहले ऐसे हो गया। दोबारा से वर्कआउट मैंने शुरू करा, उसके बाद मैंने 200 किलो पे 3 रैप डेडलिफ्ट भी मारी और उसके बाद मैंने 2 चेस्ट के सेशन भी लिए जिसमें मैंने 120 पे 3 रैप मारे, जिसमें सिंगा भाई के साथ कंपटीशन करा था, उन्होंने 120 पे 6 मारे थे, मैंने 120 पे 3 रैप मारे। तो मुझे लगा अब सब सही हो गया, सब बढ़िया। अभी जो सैटरडे गए करंटली, उसमें मैंने 100 पे 10 रैप इजिली मारे और 110 पे ही वेट बढ़ाते ही जब मैं लोअर में फ्लैट बेंच पे ला रहा था प्रेस, मेरी चेस्ट का टिश्यू फट गया। तो गाइज इसका कुछ ऐसा यार पर्टिकुलर रीजन नहीं है, क्योंकि अगर ये देखूं कि 15 दिन पहले मैं ध्यान देता उस चोट को, अपनी जो हल्की सी मसल स्ट्रेच हुई थी उस टाइम पर थोड़ा रिकवरी का और टाइम देता, तो आज इतनी थोड़ी सीवियर इंजरी मेरे को नहीं होती। क्योंकि डॉक्टर के पास मैं गया, उन्होंने मेरे को 2 से 3 हफ्तों का बेड रेस्ट बोल दिया एकदम, कि आप बेड पे रहो, कोई अपना एल्बो मूवमेंट मत करो और उसको एक जगह स्टिल रखो, ये सब मेरे को डॉक्टर ने कहा है। और उन्होंने मेरा एक्सरे भी करा, एक्सरे में यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा एक्सरे जो है ये सब नॉर्मल है हमारे एक्सरे में। और इसी के साथ यार बस यही कहा उन्होंने, ध्यान रखो अपना, हेल्दी डाइट रखो, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं दी उन्होंने मेरे को जिससे कि मेरे टिश्यू ऐसे जल्दी रिपेयर हो, केवल वो ही दी है कि जिससे कि पेन किलर जो मेरे को दर्द हो रहा है वो थोड़ा कम हो जाए, बस उन्होंने इसी चीज की मेरे को मेडिसिन दी है। और बाकी ऐसे कुछ एक ऑयल दिया है कि अपने यहाँ पे लगाना ऑयल, जिससे कि जो है कि वे मार्क्स हैं वो जल्दी हील होंगे, वाउंड जल्दी हील हो जाएगा। और बस यार गाइस अपर बॉडी की तो मेरी यही हुई हालत है, अभी 2 से 3 हफ्ते ट्रेन नहीं करना, बस लोअर बॉडी में ट्रेन कर सकता हूँ, है ना। डॉक्टर ने तो मना करा है पर फिर भी यार लोअर बॉडी में जाऊंगा, जिम में ट्रेन करूंगा लोअर बॉडी, थोड़े से एब्स, कार्डियो वगैरह, क्योंकि अगर कार्डियो मैं छोड़ दूंगा तो मुझे पता है कि मेरी बॉडी कितनी जल्दी फैट पकड़ लेगी। तो अब चलते हैं जल्दी से जिम, वहां पे आपको दिखाता हूँ कि क्या मेरा आज कार्डियो होगा और क्या मैं स्ट्रगल करता हूँ कार्डियो करने में, कितना स्ट्रगल मेरे को होता है लेग्स वर्क स्क्वाट्स मारने में, फ्री स्क्वाट्स मारने में और एब्स मारने में, कैसा मेरे को फील होता है, क्या होता है। जल्दी से चलते हैं जिम, वहां पे दिखाऊंगा कि आज का क्या मेरा वर्कआउट होने वाला है। चलो गाइस देखते हैं क्या बॉडी की और कितनी बॉडी रहेगी, कितनी डिस्ट्रॉय होने वाली है, कितनी मेहनत हमें आगे करनी है। ओके गाइस स्टे ट्यून्ड।
तो गाइस यार मज़ा आ रहा है, थोड़ा कार्डियो कर रहा, थोड़ा लैग वर्कआउट कर रहा हूँ, कुछ ना सही कुछ बेटर है, इसके साथ ये करते रहो। इस हाथ में कोई मूवमेंट ही नहीं है, आज के वर्कआउट हो गया, काफी मजा आया, एक से डेढ़ घंटा वर्कआउट करा आज, थोड़ी देर ट्रेडमिल, फिर साइकिल, थोड़ी स्ट्रेचिंग करा मैंने अपना आर्म, फिर स्क्वाट्स मारे, क्योंकि अपर बॉडी तो मैं ट्रेन छूना ही नहीं है, मतलब अपर बॉडी, और थोड़े से मैंने फ्री स्क्वाट्स मारे, फिर हैक स्क्वाट, फिर लैग एक्सटेंशन, ये रहा मेरा आज का वर्कआउट यार, लगभग एक घंटे का, थोड़ी कैलोरीज बर्न हुई, अच्छा लग रहा है, क्योंकि फैट नहीं चढ़ेगा इतनी जल्दी, और थोड़ी देर डाइट ले लेता हूँ, 5 अंडे 5 एग्स है और 1 ग्लास मौसमी का जूस, नॉर्मल मस्त एकदम रिफ्रेश हो जाएंगे, घर जाएंगे, रेस्ट लेंगे, सो जाएंगे, रिकवरी के लिए टाइम देंगे। तो गाइज यार यही था जो मैंने कल वर्कआउट करा है, थोड़ा सा लेग्स वर्कआउट, काफ़ी स्ट्रगलिंग लेग वर्कआउट करा है, पेन में, इंजरी में, कल रात में एंडिंग भी नहीं कर पाया, सोच रहा था कि आपको घर जाके अपनी पोस्ट वर्कआउट मील दिखाऊं, क्या खा रहा हूं मैं आज डिनर में, पर वो भी नहीं दिखा पाया, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को गाइज लाइक करना, शेयर करना, ऐसी सपोर्ट करते रहो, लाल कलर का बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब का, जल्दी जाके दबा दो, और इंजरी अपडेट मैं आपको देते रहूँगा, सपोर्ट करते रहो, इंस्टाग्राम मैंने मेंशन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक देख लेना, IM_M_Yash, वहाँ पे जाओ, कोई भी फिटनेस रिलेटेड क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, मेरे को वहाँ पे पूछ लेना। और एक चीज़ और बहुत मेन इंपॉर्टेंट जो है, अगर आपकी लोअर बैक में, क्योंकि बहुत लोग डेडलिफ्ट गलत मारते हैं, बैंड रो, डंबल, साइड रो वो गलत मारते हैं, उस वजह से काफ़ी इंजरी हो जाती है लोअर बैक में, तो वो सेट्स अपने एक ज़रूरी किसी की अंडर सुपरविजन, कोई अच्छे ट्रेनर के अंदर में एक बार दिखा के कि हाँ भाई मैं सही सेट लगा रहा हूँ या नहीं, वो ज़रूर करा करो, ऐसे नहीं कि अपना आप जाए और मारने लग गए। अगर आप अच्छे कर रहे हो, आपको पता ही होगा, अगर आपको ज़्यादा टाइम हो गया 3-4 साल, तो आप कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, पर फिर भी किसी के अंडर में एक्सरसाइज करना, जैसे मैं बेंच प्रेस मार रहा था, सिंघा भाई पीछे खड़े थे, तो वो थे सपोर्ट में, अगर मेरे से नहीं उठ पाता तो मेरा तो मैं तो वहीं गया, डेड था मैं। तो कोई एक अच्छा जिम ट्रेनर और एक जिम पार्टनर जिसके साथ आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वो आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है, और बाकी कोई भी हल्की सी अगर इंजरी हो आती है, आपको लग रहा है कि मेरा कुछ गड़बड़ है, और तो ज़रूर एक जल्दी से एक अच्छे फिजियोथेरेपी डॉक्टर या ऑर्थोपेडिस्ट को दिखाओ, क्योंकि एक इंजरी हमारी यार पूरी लाइफ ख़राब कर सकती है। तो बी सेफ, स्टे सेफ, ऐसी सपोर्ट करते रहो गाइस। ओके गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, लव यू ऑल।